नमस्कार फरदाबाद। फरदाबाद के खेड़ी गांव में एनआईए की जो सुबह टीम पहुंची थी, बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम जो बड़ौली गांव में आई थी उसमें 6-7 अधिकारी जो थे वो एनआईए खेड़ी गांव में जो है वो एनआईए की टीम पहुंची थी। और खेड़ी गांव में हम पहुंचे हैं, जो खेड़ी गांव में मैं आपको दिखा दूं साफ तौर से, ये वो मकान है जहां पे एनआईए के सुबह 6-7 जो अधिकारी थे और उसके साथ में जो पुलिस बल था, पुलिस के भी 8 से 10 अधिकारी साथ में बताए जा रहे थे, पुलिस आई थी। और एक बार इनसे जान लेते हैं, जो यहां पे एनआईए की जो टीम पहुंची थी, एक बार इस चीज को लेकर पहुंची। क्या नाम है बाबू जी आपका? मेरा नाम डालचंद जी। डालचंद जी, एनआईए की सुबह अधिकारी आए थे यहां पे, एनआईए की टीम आई थी और पुलिसकर्मी भी आए थे, क्या पूछताछ हुई, किस चीज को लेकर आए? उनसे पूछ रही थी, सुबह सुबह आगे जी हम सो के उठे, घर वाली पेट खोल रही, हमसे बोले आके डालचंद को मकान ये है। मैं हाँ जी टेकचंद, मैं हाँ जी मेरा लड़का है, हमें तलाशी लेनी है आपके घर की। मैं शौक से ले, वो तलाशी लेके चले गए हैं, तलाशी लिए उन्होंने। तलाशी कुछ बताया होगा कि तलाशी किस मामले में, किस ये हमको कुछ नहीं बताया किस मामले में तलाशी लेनी है या कोई किसी चीज के लिए लेनी है, ये कुछ हमें नहीं पता। किस समय पर आए थे और किस समय तक उन्होंने? 5:30 बजे सुबह आए थे जी और 11:30-11:15 बजे गए थे। क्या मिला उन्हें के वो कुछ लेके गए? आप नहीं लेके जी, वे मेरा फोन लेके गए, एक तरफ DVR निकाला था उसे वापस दे गए, DVR निकाल के उसे वापस दे गए, फोन आपका लेके गए हैं। तो किस चीज मतलब उनसे पता किया कि एनआईए जो आई है वो किस चीज को लेकर आपके लड़के, क्या नाम है लड़के का? टेकचंद। टेकचंद जी के बारे में क्या बताया उन्होंने, टेकचंद जी को लेकर आए थे या किस चीज? नहीं ये कुछ नहीं बताया जी हमें, और कुछ नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने मौके पर कौन कौन मिला फिर फैमिली है जी? मौके पर घर पे कौन कौन फैमिली मिली जिनसे पूछना? मैं, मेरी घरवाली, मेरे लड़कों की घरवाली, यही थे। क्या पूछताछ की उन्होंने आपसे? वैसे यही पूछताछ की कितनी जमीन है आप पे। मगी जी मेरे पर इतनी दादा लाई है, मेरे परदादा को दी और हुई जमीन है मेरे पास, और मेरे पास कुछ नहीं है। टेकचंद की बात की जाए तो टेकचंद जी कहाँ पे हैं? टेकचंद नहीं जी, टेकचंद तो जेल में 1.5 साल हो गई उसे। 1.5 साल से जेल में, किस मामले में, किस बात? ये वही लड़ाई झगड़े या मतलब 107 बात में केस में बंद है। तो पता चला कि टेकचंद जी के मतलब जेल के अंदर हैं, तो उसी को उन्हीं की पूछताछ के लिए या फिर किसी बदमाशी टाइप का जो माहौल है उस टाइप को लेकर आए थे क्या? बदमाशी टाइप में आए होंगे जी, और तो भाई आने के हम तो बदमाश ही ना जी, हमने तो कभी कुछ देखे ना करे ना करे ना डरे जी। पर बोल के गए फिर आपसे वो क्या कह? ये वो ये कह के गए जी, सोमवार को आपको और आपके छोटे लड़के को वहाँ आना है ऑफिस पे, दिल्ली ऑफिस में बुलाया है। तो क्या मानते हैं, किस तरीके से आपसे पूछताछ की जाएगी? पूछताछ करो जी। टेकचंद जी की घरवाली भी घर पे होंगे, उनसे भी पूछताछ की, छोटे भाई से उनसे पूछताछ की, सबसे आधार कार्ड मांग रहे, कभी कुछ मांग रहे, उनको जो भी मांग रहे, फोन वोन मांग रहे, उन पे बेचारे इन पे फोन है नहीं। कितने लंबे समय तक यहाँ पे उन्होंने पूछताछ की, कितने लंबे समय तक वो आपके घर में? कम से कम 4-5 घंटे यहाँ रहे। 4-5 घंटे मतलब कुछ नहीं मिला, खाली आपका फोन लेके गए? हाँ जी, बस फोन लेके गए जी, और कुछ नहीं मिला। DVR था उसको वापस दे गए। DVR जो है इनके घर का, वो उन्होंने DVR लिया, फिर उसके बाद वो खंगाला, और उसके बाद में DVR तो उनका वापस दे दिया। फिर जो टेकचंद जी के पिताजी हैं उनका जो फोन है वो साथ में लेके गए हैं, और दिल्ली NIA जो ऑफिस है उन्हें सोमवार का समय दिया गया है कि सोमवार को आपसे पूछताछ की जाएगी और दिल्ली इनको हेड ऑफिस बुलाया। मैं आपको साफ तौर से दिखा दूं, ये वो मकान है जहां पे सुबह करीब 5:30 बजे जो बता रहे हैं कि 5:30 बजे यहाँ पे NIA के जो अधिकारी थे वो सारे यहाँ पे पहुंचे थे, और इनको सोमवार का जो समय है वो दिया गया है, सोमवार को इनको जो दिल्ली NIA ऑफिस है वहां पे बुलाया गया है। तमाम और फरदाबाद की खबरों के साथ मैं आपके साथ जुड़ूंगा। जयप्रकाश भाटी।